कृष्ण, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जो कि सुकमा से है, जहां पर दो स्थायी वारंटी नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत पुनर्वास योजना से प्रभावित होकर यह आत्मसमर्पण किया। खोखली माओवादी विचारधारा, शोषण, अत्याचार, भेदभाव व हिंसा से तंग आ गए थे दोनों नक्सली। नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सलियों के नाम मड़कम बुड़ा और पोड़ियाम रामा, जो जनमिलिशिया सदस्य बताए जा रहे हैं। बता दें कि नक्सलियों ने थाना प्रभारी दोरनपाल एवं थाना कोलमपल्ली स्टाफ के सामने बिना बगैर हथियारों के आत्मसमर्पण किया। आपको बता दें कि ये बड़ी कामयाबी, जिसमें ये दो माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये नक्सलवादी विचारधारा है उससे तंग आ गए थे, जिसकी वजह से ये आम जीवन जीना चाहते थे, शोषण व अत्याचार का जीवन खत्म करना चाहते थे, इसलिए दोनों नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये दोनों ही जनमिलिशिया सदस्य बताए जा रहे हैं, जो कई वारदातों में शामिल भी रहे। कोलमपल्ली स्टाफ के सामने बिना बगैर हथियारों के इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। अधिक जानकारी से संवाददाता जुड़ गए हैं शिवा यादव। शिवा, यहां पर दो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, इन दो नक्सलियों का क्या इतिहास रहा है, क्या किसी मुठभेड़ में शामिल रहे हैं और आखिर इन्होंने आत्मसमर्पण क्यों किया? हाई वारंटी थे कोलमपल्ली दोरनापाल थाने में, कई मामलों में शिवा आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, कृपया जो नेटवर्क का क्षेत्र है वहां आकर अपनी बात पूरी करें। शिवा, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि दोरनापाल और कोलमपल्ली पुलिस को काफी समय से इनकी तलाश थी। दोनों ही स्थायी वारंट थी और दोनों के ऊपर वारंट जारी किया हुआ था और दोनों ही नक्सलियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता हासिल हुई। जी, इसके पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर सक्रियता पुलिस और जवानों की बढ़ी है, शायद इसलिए इन्होंने आत्मसमर्पण करना उचित समझा, या फिर जो सरकार के द्वारा बनाई हुई नीति है पुनर्वास की, उससे ये प्रभावित होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया। जी हाँ, बिल्कुल। नक्सल उन्मूलन अभियान जो छत्तीसगढ़ शासन इस समय चला रही है, पुनर्वास योजना, जिसके प्रचार प्रसार से ही प्रभावित होकर और खासतौर से जो नक्सलियों की खोखली विचारधारा है उसके से परेशान होकर के ये दोनों ही नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। आपको बता दें कि यहाँ पर दो नक्सली आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सली विचारधारा से ये तंग आकर एक आम जीवन जीना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दोनों ने ही बिना हथियार के आत्मसमर्पण कर दिया। बस्तर में आज नक्सलियों की